फाइनली ब्रेकफास्ट इज रेडी और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है मेथी वाली रोटी और तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 पौने छह। गुड नाइट गाइस, आई लव यू ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है day 6 ऑफ वेट लॉस चैलेंज एंड मैं आ गई हूँ ऊपर अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेके, वही यूजुअली लेमन हनी वाटर जो कि मैंने आपको बोला था कि अभी 10-12 दिन में यही लेने वाली हूँ। एंड यस, आज काफ़ी जल्दी आ गई हूँ मैं ऊपर, 6:30 हुए अभी एंड आई एम हैप्पी बिकॉज जल्दी थोड़ा थोड़ा करके मैं अपनी आदतें जो है वो सुधार रही हूँ। पहले मैं लेट उठती होती थी बट अब धीरे धीरे जल्दी उठना शुरू कर दिया एंड विंटर्स आ गई है तो 6:30 इज़ ओके। और सबसे अच्छी बात ये है सुबह जल्दी उठ के आने की कि यहाँ पे गुरुद्वारे की आवाज़ें आती रहती है और वो इतनी शांति देती है ना, इट्स सो गुड। और बर्ड्स हैं सुबह सुबह तो मतलब बहुत अच्छा सा मौसम लगता है। एंड यस, साथ में अपनी टी इंजॉय करेंगे जो कि है लेमन हनी टी और उसके बाद नीचे जाके एक बनाना लूँगी। एंड ब्रेकफास्ट में आज मैं सोच रही हूँ कुछ अलग सा ट्राई करूँ, या तो मैं पनीर रोल लूँगी या फिर मैं लूँगी बेसन का चीला, वो नीचे जाके देखते हैं। और बिकॉज बहुत दिन से मॉर्निंग में सिर्फ परांठा हो रहा है एंड परांठा इज़ गुड, जो आप खाते हो वो खाओ बट क्वांटिटी मैटर्स कि आप एक खा रहे हो या दो खा रहे हो, तीन खा रहे हो या चार खा रहे हो। सो यस, जल्दी से अपनी मॉर्निंग टी इंजॉय करते हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरा अभी करंट वेट क्या है, तो मेरा करंट वेट ये है। आई नो बहुत ज़्यादा है बट कोई बात नहीं, हम कम कर लेंगे इसको भी। एंड चलो जल्दी से मॉर्निंग ड्रिंक, मुझे लगा था ज़्यादा गर्म होगी बट ठीक है चलो। और जैसा कि आप देख सकते हो मॉर्निंग में ये जो हल्की हल्की सी आवाज़ आती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शांति देती है मन को। सो यस, साथ में ये आवाज़ें सुनेंगे अच्छी अच्छी सी और साथ में करेंगे एंजॉय अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। और उसके बाद मैंने ले लिया था एक बनाना और ये हमारी डे की फर्स्ट मील होती है और जैसे हम उठते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही हमें फ़र्स्ट मील ले लेनी चाहिए, अदरवाइज़ बाद में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। सो यस, मैं ले रही हूँ अपना बनाना। आप सॉफ्ट आलमंड्स भी ले सकते हो, नट्स भी ले सकते हो, तो आज बनाना घर पे था तो मैंने फिर बनाना ले लिया। एंड यहाँ पे कोको को भी जो हम खाते हैं वो चाहिए होता है, इसे अपना फूड इतना पसंद नहीं है जितना कि हमारा, लेकिन बनाना ये नहीं खाती है। फाइनली ब्रेकफास्ट इज रेडी और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है मेथी वाली रोटी और साथ में थोड़ी सी भिंडी और साथ में दही। चाय मैंने नहीं लिया है बिकॉज चाय मैं छोड़ रही हूँ। सो यस, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं। और सुबह एक बनाना ले लिया था और अब ये ब्रेकफास्ट और उसके बाद आपको मिल लेंगे मॉर्निंग स्नैक्स के टाइम पे। ये रहे हमारे मॉर्निंग स्नैक्स जो कि है पॉपकॉर्न और ये सब मैं नहीं खाने वाली हूँ, आद्विक भी खाएगा और मम्मा भी खाएगा, मम्मा भी खाएंगे। और ये मैंने काजल लगाया था जो मामा आर्ट का न्यूली लॉन्च्ड काजल है फॉरेस्ट ग्रीन कलर का, जो कि सिर्फ अब एक ही आई में रह गया और एक से उतर गया हुआ है। हेलो 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 खाएंगे हम, ठीक है ठीक है। तो क्योंकि हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम काजल लगा के आईलाइनर लगा के भूल जाते हैं और हम रब कर देते हैं आईज़ को, तो इस आंग से वो बेचारा गायब हो गया है। मम्मी आज फोटो खींचा तो तो चलिए मॉर्निंग स्नैक्स कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो मॉर्निंग स्नैक्स में होने वाले हैं पॉपकॉर्न जो कि आद्विक को भी खाने हैं और मम्मा को भी खाने हैं। यस, और आद्विक की नोजी आ रही है, आई आई गंदा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आवर लंच इज रेडी और लंच में मैंने लिए हैं 2 वेजिटेबल रोल्स। जी हाँ, वेजिटेबल रोल्स क्या है, 2 चपातीस लिए, उसके ऊपर सब्जी लगा के थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और उसके ऊपर मैंने छिड़क लिया था थोड़ा सा चाट मसाला और ये हो गया है मेरा वेजिटेबल रोल। और बस लंच इंजॉय करेंगे और मैंने साथ में कुछ भी नहीं लिया, सैलेड वगैरह कुछ भी नहीं लिया बिकॉज मन नहीं था। और यस, जल्दी से अपना लंच करते हैं एंड उसके बाद आपको मिलेंगे इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे। और यहाँ पे आद्विक भी अपना लंच कर रहा है। हेलो आद्विक, सो यस, जल्दी से अपना लंच कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं।
गुड इवनिंग गाइस, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 पौने छह। गुड नाइट गाइस, आई लव यू ऑल। ये बीच में मेरी बहन जो कि एक बहुत बड़ी नौटंकी है वो आ गई थी, एंड अभी स्पेशली ये मुझे ऊपर लेके आई है सिर्फ अपनी रील्स बनवाने के लिए। एंड लुक एट हर, प्रिया फॉलो मी गाइस ऑन इंस्टाग्राम। बस इसको तो सिर्फ एक ही चीज का शौक है, फॉलो मी गाइस ऑन इंस्टाग्राम। तो फॉलो कर लेना इसको, इसका इंस्टाग्राम हैंडल मैं नहीं बताऊंगी। प्रियंका खुराना 6, ओके। तो यस, अभी शाम हो रही है एंड मौसम बहुत अच्छा है, तो सोचा चलो इसकी रील्स बना देती हूँ थोड़ी बहुत। और इवनिंग स्नैक्स में अभी मैंने कुछ नहीं लिया, और बस फिलहाल का अपडेट यही है। और अभी आपको मैं इसकी नौटंकी दिखाती हूँ। और ये हमारा कैमरामैन बैठा हुआ है। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? ब्लू चीज ही खाएंगे बस, और कोई काम नहीं है? ओके सो डिनर में मैंने लिया था आज भेलपूड़ी, और इसके लिए मैंने कुकुम्बर, टोमेटोस, और आप चाहे तो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, कैरेट्स भी डाल सकते हैं, बट मैंने ले लिया था पनीर, और ले लिए थे एक कटोरी मुरमुरे, और साथ में मैंने नींबू ले लिया था ऊपर से स्क्वीज़ करने के लिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी भेलपूड़ी तैयार हो जाती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और काफ़ी फिलिंग भी होती है। आप चाहे तो ऊपर सेवियाँ भी डाल सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें भी डाल सकते हो, बट मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैंने सिंपली कुकुम्बर, टोमेटोज और अनियन भी डाल सकते थे, बट अनियन काटने में मुझे टाइम लगता, सो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी बिकॉज आज का इवनिंग स्नैक्स जो है वो मिस हो गया था। सो यस, जल्दी से मैंने अपना ये डिनर बना लिया और फटाफट से खा लिया था, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ऑयल भी नहीं लगता, कुकिंग टाइम भी नहीं चाहिए होता। सो यस, ये है एक हेल्दी ऑप्शन, और अगर आप भी ट्राई करना चाहो तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना, बिकॉज काफ़ी फीलिंग होती है और काफ़ी टाइम तक आपको ये भूख भी नहीं लगने देता। आज के व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और रात को डिनर मैं बहुत ही लाइट रखने वाली हूँ, और डिनर में भेलपूड़ी खाऊंगी शायद से। तो यस, भेलपूड़ी लाइट होता है, उसमें कुछ ऑयल नहीं डल रहा है। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और आज का व्लॉग थोड़ा सा फनी हो रहा है बिकॉज ऑफ माय सिस्टर, बिकॉज वो बहुत ही जोकर है ना, तो इसलिए मैंने खुराना को फॉलो बैक ना करो, मत करो खुराना को फॉलो। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।